आएंगे। यहाँ आपको मैं समझाता हूँ, ये देखें आप, क्लियर है, नजर आ रहा है आप, देखें आपको, यहाँ आप 5 डेज लगाएंगे, 5 डेज इन जनवरी 2002, देख लें आप, इन 2000 इन समर, इन समर इन विंटर इन मई इन 5 5 मिनट्स, तो आप यहाँ पे इन लगाएंगे। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। अब देखिए इसको समझने के लिए फोकस करना चाहिए, 5 डेज हमने लिखा ना, तो यहाँ इन की प्रपोजिशन थी, इन 5 डेज, इन द इन 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 5 मंथ्स, इन जनवरी, इन 2002, इन समर, इन विंटर, इन मई, इन 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे देखें, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ, छोटा सा एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, वो आप यहाँ पे समझ लें। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आप अभी आपको 13 14, ठीक है, तो यहाँ आपका 12 आ जाता है ना, 12 जब आप लिखते हैं, तो इसके साथ मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूँ, ये अगर जहाँ आप टाइम आएगा ना, तो टाइम के साथ आप यहाँ पे 8 का इस्तेमाल करेंगे, 8 2 PM, 8 3 PM, ठीक है, तो आप इन नहीं लगाएंगे, इन इन नहीं आएगा टाइम के साथ, ये वॉल क्लॉक मैं बता रहा हूँ, वॉल क्लॉक के साथ आप कहीं भी, अगर आपके साथ देखें 4 बजकर अगर आपका 30 मिनट भी है, तो आप इसके साथ भी 8 लगाएंगे, 9 बजे है भी 8 लगाएंगे, अगर 8 है, जैसे 8 होते हैं ना, 8 का 8 o'clock, हाँ 8 o'clock, यहाँ आप लगाएंगे 8 8 o'clock का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके साथ हम मिनट्स का अगर निकालेंगे, अगर आप यहाँ इसके साथ मिनट्स निकालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मिनट्स, तो मिनट्स में आप लगाएंगे इन 5 मिनट्स, ठीक है, तो इनके साथ आप इन 5 मिनट्स लगाएंगे। इसी मिनट्स के साथ अगर आप सेकेंड लगा रहे हैं, तो सेकेंड के साथ भी आप यहाँ पे इन का इस्तेमाल करें, इन 5 सेकेंड्स। अगर आप आवर्स के बता रहे हैं कि भाई 5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के साथ अंदर, तो आप उसके साथ भी इन लगाएंगे। बाकी पर्टिकुलराइज अगर टाइम है, तो 11 बजे 12 बजे 8 बजे, तो इसके साथ 8 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़े से फोकस करना होगा, ये चीजें आसान है। चलें भाई आगे चलते हैं के साथ, अगर आपके साथ कोई है, माई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज, यहाँ हम लगाएंगे विद, विद यहाँ पे लगाएंगे विद मी, तो विद का फार्मूला, किसी के साथ कोई चीज हो तो आप विद का फार्मूला लगाएंगे, किसी के साथ ही, वी मस्ट लिव विद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ हमें रहना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, आप सिंसियरिटी के साथ रहना चाहिए, ठीक है, सिंपलसिटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आई वॉज विद माई चिल्ड्रेन, मैं अपने बच्चों के साथ था, तो विद यहाँ पे आप लगाएंगे विद, आई वॉज विद माई चिल्ड्रेन यहाँ पे आप लगाएंगे, इसके साथ बाय, और ये 8 आपका नहीं आएगा, ये आप काट दें, ये मैं काट देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये हम काट देते हैं, ठीक हो गया, तो ये भी हम काट देते हैं, यहाँ से हम ये काट देते हैं, तो विद जब भी आपका आएगा, विद यहाँ पे ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, फेथफुल हैं आप, तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, सपोज कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पेन से लिखते हैं, तो आप यहाँ पे विद लगाएंगे, तो पेन के साथ, आपका भी बताता हूँ, पेन के साथ विद लगाएंगे। कट द एप्पल्स विद नाइफ, विद नाइफ, नाइफ के साथ भी आप विद लगाएंगे। पेन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी, यहाँ इसको क्लोज करके देता हूँ, यहाँ देखें, यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप विद का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये गन है, तो गन के साथ ज्यादातर लोग बाय लगाते हैं, हालांकि बाय नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, नन ऑफ देम भी नहीं होगा, तो गन के साथ आप भी यहाँ भी आप विद लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अ सिटीजन वाज किल्ड, अब सिटीजन वाज किल्ड, इस तरह आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ये नीचे ऑप्शंस आएंगे, आप सिटीजन वाज किल्ड डैश अ क्रिमिनल, ये पैसे वाइज है, यहाँ तक आपका पैसे वाइज है, अ सिटीजन वाज किल्ड डैश अ क्रिमिनल डैश अ गन, तो क्रिमिनल ने गन से मारा, तो ये इस तरह दो तीन आपकी प्रपोजिशन आएगी, आप मुझे बताएं कि सही ऑप्शन कौन सा है, शाबाश, इसमें सही ऑप्शन बताएं कौन सा आएगा, बाय विद आएगा, बाय बाय आएगा, फ्रॉम बाय आएगा, या नन ऑफ देम, क्लियर करें, शाबाश, ये लास्ट वाला मुझे बताएं, तो मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आया है, लास्ट वाले में क्या आएगा भाई, शाबाश दानिश, वकार दानिश, वकार इरम, वेरी गुड, सपना तैयबा, वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन फरियाल,
गुड पार्टिसिपेशन बाय ऑल ऑफ यू. शफीकुज़मान, हाँ तो अभी देखें, अभी मैंने आपको बताया कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट लव कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप सब लोगों के लिए. तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप हमेशा, यहाँ पेन के साथ आप, नाइफ है, इसी तरह गन है, कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम, जैसे अभी मैंने बताया तो यहाँ क्रिमिनल वाज किल्ड, तो ये आपका बाय आया, क्रिमिनल वाज किल्ड बाय, तो यहाँ हमने गन का इस्तेमाल किया जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ आपका गन आएगा. ठीक है, एक सवाल ज्यादातर आता है पेपर में और उसको बच्चे नहीं समझ सकते, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा है. जैसे एक सवाल आपका आता है, आई आई राइट डैश, यहाँ आएगा इंक, आई राइट डैश इंक. और दूसरा आता है आई राइट, ये दो ऑप्शन आते हैं, आई राइट डैश पेन. तो अब मुझे बताएं उन ऊपर वाले में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, नीचे वाले में कौन सी आएगी. अब दो प्रेपोजिशन आएंगी लेकिन दोनों में कौन सी आएंगी, बाय आएगी, इन आएगी, विद आएगी, टू आएगी, फ्रॉम आएगी. शाबाश, इसमें प्रेपोजिशन मुझे बताएं भाई, इसमें प्रेपोजिशन हमें समझना है. ये बड़ी ट्रिक वाली चीज है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी बच्चे इसको गलत इस्तेमाल करते हैं और ये पेपर में आपके पास आते हैं, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं भाई. तो हमें वन टाइम में एक दफा पता होगा ना तो हम आराम से कर लेते हैं. जब भी आपका देखें इंक वाला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पेपर में जब भी इंक आ जाए ना, ये इंक आ जाए तो इनके साथ आप हमेशा इन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंक होती है तो इन होगा इस्तेमाल, इन की बात हो रही है. और इंस्ट्रूमेंट की जैसे यहाँ पे मैंने आपको बात बताई, ये इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप हमेशा, वो पेन भी इंस्ट्रूमेंट है, नाइफ भी इंस्ट्रूमेंट है, गन भी इंस्ट्रूमेंट है, गन यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट है, तो इन सब के साथ आपका विद आएगा, इन सब के साथ विद आएगा. लेकिन आपको मैंने बताया ये पेन इंक जो है इंस्ट्रूमेंट है, क्या बात बताएं, इंक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई, तो इन नहीं है तो इसके साथ हम हमेशा इन लगाएंगे, क्योंकि इंक इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, पेन इंस्ट्रूमेंट है. तो इसके साथ मैं आपको देखिए लॉजिक लॉजिक दे रहा हूँ, इसके साथ इन लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसके साथ आपको विद लगाना है, इसके साथ विद आएगा और इसके साथ आपका इन आएगा, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ आपको प्रेपोजिशन. चलें, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, ये आपका क्लियर हो गया, के साथ मैंने बताया, ये भी बता दिया. अब यहाँ पे आते हैं, ये चीज बड़ी जबरदस्त है, आई विल गो टू कराची, यहाँ बाय लगाएंगे, बाय सैटरडे, बाय कार, बाय बस. लेकिन अगर बस के साथ आप द लगाएंगे तो आपकी प्रेपोजिशन ऑन आएगी. कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द एरोप्लेन, तो ऑन के बाद प्रेपोजिशन, अगर ऑन के बाद आर्टिकल द लगाएंगे तो आपका फिर जो है ऑन आएगा, अगर द नहीं लगाते तो फिर बाय आएगा. सिंपल लगाएंगे तो बाय बस, बाय कार, बाय सैटरडे. यहाँ अगर कोई डे आ जाता है तो डे के साथ आप ऑन इस्तेमाल करेंगे, डे के साथ. बाय देमसेल्फ आप